आंसर लिखें एक या दो शब्द में। मीनू को माँ की कौन सी चीज से खेलना पसंद था? साड़ियां, ओनली साड़ियां लिख देना। मीनू की माँ का नाम उषा। मीनू स्कूल में कहाँ बैठकर पढ़ती थी? स्कूल के कमरों में बैठकर पढ़ती थी। मीनू के घर कौन आया? दीपा मौसी। एक शब्द वाले आंसर है और इनको करना है आपको स्टूडेंट्स। मीनू कौन थी? उसके कामों के बारे में। मीनू 7 वर्ष की बच्ची थी। मीनू एक 7 वर्ष की बच्ची थी। काम क्या थे? गुड़िया को चाय के सेट की सफाई करवाना, बर्तन मंजवाना, गुड़िया के रजाई गद्दों को धूप में सुखाना, फटे कपड़े सिलना, ये काम करती थी। मीनू की माँ की साड़ियों के साथ क्या क्या करती थी? मीनू माँ की साड़ियों को क्या करती थी? लहराकर बंद कमरे में रंग बिरंगे फूलों के खिलाती, झरने बहाती, चिड़ियों को बुलाती, पेड़ों पर झूले डालती, ये सारे काम मीनू मम्मी की साड़ियों के साथ करती थी स्टूडेंट्स। मीनू की माँ ने उसको क्यों डांटा? क्योंकि मीनू बार बार बहाने बनाकर मौसी के पास आती और उन्हें बातें नहीं करने दे रहा था चाहती। यानी माँ और मौसी की जो बातें कर रहे थे ना, उनमें खलल डाल रही थी। क्योंकि मीनू बार बार बहाने बनाकर मौसी के पास आती और उनको बातें नहीं करने दे रही थी। दीपा मौसी को गलत काम पर सजा क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि वह पेड़ पर बैठती थी। तो पेड़ पर बैठती और मास्टर जी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, इसलिए सजा नहीं मिलती थी। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इनको करके तुरंत व्हाट्सएप से डालें स्टूडेंट्स।